Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 दिसंबर के करंट अफेयर्स. देखिए ये वीडियो आपको रोजाना 7 से 8 बजे के बीच में ही उपलब्ध हो जाती है. एक दो दिनों से इसके नोटिफिकेशंस नहीं जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाके पिछले दिनों की वीडियोज़ को देख सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा. आप जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन सबसे रिलेटेड ये करंट अफेयर्स होते हैं, आप इसे आराम से रेफर कर सकते हो. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. देखिए सबसे पहले आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं. मैं अब रेगुलरली आपसे 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछा करूँगी जो मैंने पिछले दिनों में कवर किया है उससे, ताकि इससे क्या होगा, इससे हमारा ये बेनिफिट होगा कि जिस करंट अफेयर्स को हम पढ़ रहे हैं उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस को पूछूंगी तो वो चीज़ें आपको रिपीट हो जाएंगी तो आपके दिमाग में रहेंगी. एंड दूसरी चीज़ें कुछ स्टैटिक पोर्शन को भी हम कवर करते जाएंगे. अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चंस का रिप्लाई मुझे दीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर्स दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह के क्वेश्चंस को रोज़ इस करंट अफेयर्स के वीडियो में ऐड कर सकूं. तो देखिए करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है. एक आप मुझे बताएंगे कि ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार अवार्ड किसे प्रदान किया गया है. ठीक है, ये मैंने हाल में ही बताया था इस क्वेश्चन को. ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार अवार्ड किसे प्रदान किया गया है. करंट अफेयर्स की जो भी क्वेश्चंस होगी मैं जो पढ़ाती हूँ मैं उसमें से ही कवर कर रही हूँ. तो आप अगर इस वीडियो को भी रेफर करते हो ना तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो. एंड दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एड्स डे हमने कब सेलिब्रेट किया है, कब मनाया है. ये दिसंबर में ही मना है, किस तारीख को मना है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. स्टैटिक में आप मुझे बताइए कि पंचतंत्र जो पुस्तक है ना इसके लेखक कौन है. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं. दूसरी क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है. ठीक है, कौन बनी थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति. तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर्स आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं रोज़ाना ऐसे क्वेश्चंस को ऐड कर सकूं. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है किसने प्रधानमंत्री ट्रॉफी जीती, मतलब वो कौन सी कंपनी है जिसने प्रधानमंत्री ट्रॉफी को जीता है. तो ये है टाटा स्टील. हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए. देखिए टाटा स्टील का ये लगातार 4th वर्ष है, 2014 से 2015, 2015 से 2016 और इवन इस बार 2016 से 2017 टाटा स्टील ही ये प्रधानमंत्री ट्रॉफी जीतती आई है. टाटा स्टील हम सभी जानते हैं जो कि स्टील के लिए बहुत ही निजी इस्पात, बहुत ही प्रमुख ये कंपनी है. और ये लगातार, जैसे कि मैंने बताया कि इसका 4th वर्ष है. इस्पात संयंत्र होते हैं जितने भी स्टील से जुड़े, जितने भी स्टील प्लांट है ना टाटा स्टील बहुत बड़ी, तो इसके इनकी इतनी अच्छी प्रदर्शन रही है इसके कारण इन्हें प्रधानमंत्री ट्रॉफी दी गई है. तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए टाटा स्टील. इनके बारे में कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिए. जैसे टाटा स्टील की स्थापना हुई थी 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में. ठीक है, जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहा जाता है और टाटा स्टील की स्थापना यहीं हुई थी. इसके फाउंडर थे जमशेद जी टाटा एंड इसका मुख्यालय है मुंबई में, मतलब इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में. और अभी इसके महाप्रबंधक है टीवी नरेंद्र. ये है टीवी नरेंद्र, आप इन्हें देख सकते हो. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं. ऑपरेशन अलिवा अभ्यास किस राज्य में शुरू किया गया है. ऑपरेशन अलिवा, ठीक है, ये अभ्यास किस राज्य में शुरू किया गया है. तो ये शुरू हुआ है उड़ीसा में. देखिए उड़ीसा में जो गहीरमठ बीच है ना, जो गहीरमठ समुद्री अभ्यारण्य है, वहाँ इस ऑपरेशन ओलिवा को शुरू किया गया है. इसके तहत होगा क्या कि ये कछुओं का संरक्षण करना चाहते हैं. जब उनका प्रजनन का समय होता है तो प्रजनन के मौसम के दौरान जितने भी लुप्त प्राय ओलिव रिडले संप्रदाय के जो कछुए होते हैं उनकी रक्षा करना है. इसके तहत क्या होगा कि वहाँ एक अत्याधुनिक तट रक्षक जहाज रहेंगे पूरे समय, जो कि तट रेखा की निगरानी करेंगे. तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन ओलिवा जो है ये कछुओं की निगरानी के लिए, कछुओं की रक्षा के लिए शुरू किया गया है उड़ीसा में. हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी. और उड़ीसा से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, वहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल जी, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और सबसे बड़ा शहर भी है भुवनेश्वर, राज्य भाषा वहाँ की उड़िया है. वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान आप भितरकनिका बोल सकते हो, सिंपलीपाल बोल सकते हो, और भी चीज़ें हैं जैसे वहाँ के कुछ कुछ मंदिर ही बहुत फेमस है. वो सारी चीज़ें मैं बाद में ऐड करूँगी, बट इतना आप ध्यान रख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है किनके द्वारा दूरदर्शन महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम लॉन्च किया गया है. तो देखिए प्रसार भारती के जो अध्यक्ष हैं और इनका नाम है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश,
तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ये मिले हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश को, ये प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। इन्होंने 14 दिसंबर को नई दिल्ली में डीडी किसान चैनल पर इस कार्यक्रम को लॉन्च किया, और इसमें ये बातें ध्यान रख सकते हैं कि ये पुरस्कार जो है ना, ये देश के सामने महिला किसानों की जो संघर्ष है और उनकी सफलता की कहानियों को लाने का प्रयास करेगा। इस महिला को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चुना गया है, मतलब इन महिलाओं को जिसमें दूरदर्शन महिला किसान में भाग लेगी इन सबको। तो हमारे ऑप्शन क्या हो गए, सी डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ हज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हज की जो तीर्थ यात्रा होती है ना, तो ये भारत ने सऊदी अरब के साथ हस्ताक्षर किया है। ये जो 2019 में इनके द्विपक्षीय वार्षिक हज समझौते जो होंगी, मतलब 2019 का जो इनका कार्यक्रम है, इस पे भारत ने सऊदी अरब के साथ हस्ताक्षर किया है। तो इस अनुसार हमारे ऑप्शन हो गए ए सऊदी अरब। इनके बारे में कुछ बातें, जैसे यहाँ आप सऊदी अरब का लोकेशन देख सकते हो, और ये जो इन दोनों के बीच में, भारत और सऊदी अरब के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं। सऊदी अरब के बारे में इतना जानिए कि वहाँ की राजधानी है रियाद और वहाँ की राज्य भाषा है अरबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। किसने अनुपम खेर की जगह फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। देखिए, अभी तक हम जान रहे थे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे अनुपम खेर, पर इन्होंने इस पद से हट गए थे, ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब इनके अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो इनका नाम है बृजेंद्र पाल सिंह। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए बृजेंद्र पाल सिंह। अगर इनकी बात करूँ तो देखिए, जैसे सीआईडी, आप सबको पता होगा सीआईडी जो सोनी टीवी पे आती है, ये इसके निर्देशक और निर्माता है। ठीक है, और इन्हें ही अध्यक्ष के रूप में इन्होंने ये कार्यभार संभाला है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो यहाँ इसके निदेशक है भूपेंद्र कैथोला, और इसका स्थान है पुणे, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो वहाँ के मंत्री है राजवर्धन सिंह राठौर, और यहाँ का मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, और बिजेंद्र पाल सिंह जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये है, आप देख सकते हो, जो अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। नेपाल सरकार ने कितने रुपये से ऊपर की भारतीय मुद्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल की सरकार ने 100 रुपये से अधिक की भारतीय मुद्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? देखिए, 100 से ऊपर वो 200, 500, 2000 जितनी की भी मुद्राएं हैं ना, उन सब पे बैन लगाया गया है भारतीय नोटों पर, क्योंकि नेपाल सरकार ने अभी तक उन्हें बाजार में वैध नहीं बनाया। ठीक है, वहाँ के बाजार में वो अभी तक लीगल नहीं हुई हैं। तो इसीलिए 100 रुपये से जितने की ऊपर की मुद्रा होंगी, उन सब पे नेपाल सरकार ने बैन लगाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, 100 के ऊपर की जितनी है, हमारे ऑप्शन है ये। और नेपाल के बारे में बात करूँ तो ये नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज का चिन्ह है, ध्वज चिन्ह। और नेपाल की जो राष्ट्रपति है, इनका नाम है विद्या देवी भंडारी, एंड नेपाल के प्रधानमंत्री जो है, इनका नाम है आपके केपी ओली। ठीक है, ये केपी ओली जी हैं, और राजधानी जैसा कि हम जानते हैं काठमांडू, और ये नेपाल का सबसे बड़ा शहर है। नेपाल की राजभाषा है, देखिए राजभाषा अगर बात करूँ ना, तो यहाँ की आधिकारिक भाषा है नेपाली। ठीक है, और राजभाषा है मैथिली। तो ये कुछ चीज़ें थी नेपाल के बारे में जो आप ध्यान रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। किस शहर में मानव रहित हवाई वाहनों के निर्माण के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, ये किया गया है हैदराबाद में। हमारे ऑप्शन है डी हैदराबाद के, हाँ हैदराबाद में जो अदानी एरोस्पेस पार्क है ना, तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने इसका उद्घाटन किया है, और ये हुई है हैदराबाद में। हमारे ऑप्शन हो गए डी। अब हैदराबाद के बारे में थोड़ी सी बात, तो देखिए जैसा कि हम जान रहे हैं, हैदराबाद जो है ये तेलंगाना की राजधानी है, और तेलंगाना के राज्यपाल है श्रीनिवासन लक्ष्मी नरसिंहन, ये है राज्यपाल जी, एंड मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, ये है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, एंड राज्य भाषा है तेलुगु और उर्दू, और इसका गठन हुआ था तेलंगाना का 2 जून 2014 को। तो ये ओवरऑल कुछ बातें थी जो आप ध्यान रख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में 2018 का 23वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित हुआ? तो देखिए, 23वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो है ना, ये तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ है। और ये इसमें क्या हुआ कि ये केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और ये दुनिया भर में लगभग 160 फिल्मों को
इसमें सप्ताह भर चलने वाले ये त्यौहार में इसे प्रदर्शित किया गया था और ये 7 दिसंबर को शुरू हुआ था। इसमें बेस्ट फिल्म जिसे दिया गया है इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में वो है द डार्क रूम। तो ये कुछ रिलेटेड चीज़ें जो आप ध्यान रख सकते हो, ये तिरुवनंतपुरम में हुई है, हमारे ऑप्शन है बी। और तिरुवनंतपुरम के बारे में बात करूँ तो केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनाराय विजयन जी, यहाँ के गवर्नर है पलानीस्वामी सत्शिवम, नेशनल पार्क है पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पपंदम सोल नेशनल पार्क, मतिकेचन नेशनल पार्क, इरवकुलम नेशनल पार्क, अनाडीमुली शोला नेशनल पार्क। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो केरला के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नीति आयोग में प्रिंसिपल एडवाइजर के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये नियुक्त हुए हैं अनिल श्रीवास्तव जी, ऑप्शन है हमारे ए। देखिए ये IAS रह चुके हैं 1985 बैच के मध्य प्रदेश कैडर से, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन हो गए ए अनिल श्रीवास्तव, जिन्हें नीति आयोग के प्रिंसिपल एडवाइजर के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी बात जान लीजिए। जैसे नीति आयोग के जो CEO है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिन्हें हम कहते हैं, इनका नाम है अमिताभ कांत, ये है अमिताभ कांत। और नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, और इनका जो कार्यपालक है, इनके जो अध्यक्ष नीति आयोग के, ये मोदी जी है, हमारे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। किसे गिनी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गिनी गणराज्य में जो भारत के हमारे अगले राजदूत होंगे उनका नाम है TC बारूपल, ऑप्शन हो जाते हैं सी। गिनी गणराज्य के बारे में जान लीजिए कि गिनी की जो राजधानी है वो कोनार्की है, वहाँ की मुद्रा है गिनी फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन सूचांक 2019 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो देखिए हमारी भारत को 11वां रैंक प्राप्त हुआ है, ऑप्शन हो जाते हैं डी। जलवायु परिवर्तन सूचांक की जो 2019 की रिपोर्ट आई है उसमें भारत का रैंक है 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य में ऑनलाइन दवाओं पर बिक्री पर रोक लगा दी है? वो कौन सी राज्य है जहाँ ऑनलाइन दवा जो की जो बिक्री होती थी उस पर रोक लगी है, वहाँ के उच्च न्यायालय ने इसे रोक लगाया है? ये है दिल्ली, हमारे ऑप्शन है सी दिल्ली। दिल्ली के बारे में जैसे कि ये भारत की राजधानी है नई दिल्ली, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, यहाँ के राज्यपाल हैं अनिल बैजल जी, यहाँ की राजभाषा है हिंदी। और ये देखिए हमारी नई दिल्ली, यहाँ भारत के मैप में आप देख सकते हैं उसका लोकेशंस। तो ये थे कुछ चीज़ें रिलेटेड दिल्ली के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी हाँ ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आपके 16 दिसंबर के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड इस वीडियो की जो PDF फाइल है ना वो आपको नीचे टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मिल जाएंगी। और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे आप उसके कमेंट्स जरूर करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।